गुड मॉर्निंग भले से मिलना है बोलते बोलते रुक गया। तो ये देखो नवाब साहब आ गए सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक और इनकी पलटन इनकी सेना देख लो ढूंढ क्या रही है। वो चिंटू को तो कुछ मिल गया और वो दोनों निकले हैं उधर। नवाब देखो नवाब नवाब क्या दिख रहा है और बेला उधर है। ये देखो आज तो बेला जानी ही चाहिए ट्रेन में कसम से। हाँ सही में अतिथि तुम कब जाओगे इस सेंस में नहीं कि तुम क्यों रुके हो इसमें कि भाई तुम्हें ट्रेन मिलनी चाहिए तुम्हें ट्रेन में जाने चाहिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन सुप्रभात सभी को। तो मैं आ गई अपनी पलटन के साथ में और बेला भी आई है और बेला की ना आज फिर से ट्रेन है और बस प्रे कर रहे हैं कि उनको कूपे अलाउड हो जाए बच्ची चली जाए अदरवाइज ना पैसे का बहुत नुकसान हुआ है और टाइम का और हरासमेंट तो है ही है देखो और ऊपर से वो बीमार है उसके पैर में प्रॉब्लम है जिसलिए जा रहे हैं तो अगर वही उसी का ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो क्या ही फ़ायदा फिर। ये देखो पलटन पलटन में कुछ सोना हीरे चांदी कुछ तो मिला भाई पाँचों के पाँचों एक ही जगह खा रहे हैं कर रहे हैं इट मीन्स की बड़ी बात है। तो सुबह सुबह मैं आई बेला के लिए पनीर लेने और मैंने देखा कि यहाँ पे ना भैया के पास में प्याज के छिलके हैं खाली तो ये ना लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है पौधों के लिए तो मैंने कहा भैया दे दो मुझे पन्नी में भरवा दिया मैं लेके जाऊँगी। रोहन सही बोलते हैं जहाँ भी जाती हूँ पौधों के लिए ध्यान चलता रहता है मेरा। तो ये जो लिक्विड ये जो छिलके हैं ना आप इनको दो दिन पानी में डिप करके रखो और वो पानी आप अपने पौधों को दो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। सुबह सुबह छोटे बच्चे आए हैं नाबू को पैम्पर करने। नो नाबू नो नो लिक नहीं करना बेटा नहीं चाटना नहीं है ना वो भी स्टिचेस है ना तो इसको इरिटेशन होती है। कितने से तसल्ली से लगे हो मेरे को देख रही है देखो उसके हाथ में ना फर आ रहा है फिर वो फर हाथ में आ रहा है फिर मेरे को देख रही है कि ये बाल कैसे आ रहे हैं उतर के। पहले आ जा अब तो आ जा हो गया इतने व्लॉग स्टार्ट के तो चली भी गई कर इतने होता दीदी आप बहुत स्लो है आपका साबुन स्लो है बेटा पानी पी रहा है अभी खा रही है पहले वैसे नहीं खाती ना नवाब भी नहीं खाता देखा देखी आप उसने हाँ देखा देखी होगी नाबू मेरी का है पापा मेरी का है इससे बेस्ट वर्किंग मोड नहीं इसका कुछ भी अरे मैं क्या बोलूँ बुड्ढा अरे अरे ये मैंने क्या देख लिया मैंने क्यों देख लिया इसकी आप भी खा रहे हो ऐसे मत करो देखो वो दोनों कितने तमीज से खा रहे हैं इसको देखो ये ऐसे बिहेव कर जैसे इसको मिले नहीं, नहीं, नहीं है। हाँ। छोटे बेड़िया डरती क्यों ऐसे मैं डरती नहीं हूँ पेन में है ना वो क्यों परेशान कर रहा बेच को बाबा बात नहीं करूंगी। शेफ आप ही क्या कर रहे हो शेफ हिमशी चीला बना रही है जो कि गोल नहीं है चीला मत दिखाना प्लीज वो थोड़ा टेढ़ा भाई वाह मैं इसको इंडिया का नक्शा बना सकता हूँ पता है नहीं बिल्कुल भी नहीं वर्ल्ड का है ये गोल है पृथ्वी गोल है ये पर उतनी भी गोल नहीं है पर हाँ ये है नहीं आ रहा तो गाइस यहाँ पे बन रहा है नाबू के लिए चीला चीला नाबू के लिए चीला बन रहा है इसमें क्या है कि ये सिर्फ बेसन है ना बेसन को सिर्फ ऐसे आप सबको यार हमसे अच्छा बनाना अच्छा एक बनाना से एक शेफ है ना बस इसके अंदर जो वो भरना है क्या बोलते हैं उसको ये पनीर बस पनीर डालना है और हल्का सा हरा धनिया वो भी बहुत खुशबू उसके नाक को बहुत पसंद है ना पहले स्वीप करेगा फिर खाएगा। ओके और तुम क्या करोगी मतलब आज इन्होंने चीला बना के अपनी औकात दिखा दी क्योंकि मुझे निकला है। अरे आपको खिलाऊंगी भाई तो वन बाय वन होता है ये ज्यादा लोग नहीं खा सकते एक टाइम पे अब मैं खाऊंगा ही नहीं ठीक है मैंने औकात दिखा दी ना अब तुम खाना मत अब तुम अपनी औकात दिखाना। ओके मैंने इसको चीला खाएगी चीला खाएगी वह छिपकली वही छिपकली वही भेड़िए छोटा पैकेट छोटा पैकेट क्या कर
खुजली खुजली करो, खुजली खुजली करो। आप इसको बता दो जी। ठीक गाइस, बहुत स्ट्रेसफुल माहौल हो चुका है, पता है। क्योंकि आप सबको पता है पिछले 3 दिन से बेला की टिकट बुक है ट्रेन की। आज का तो ब्लॉग का नाम डालो, बेला मुंबई कब जाएगी, बेला मुंबई कब जाएगी, अतिथि तुम कब जाओ, बेला मुंबई कब जाएगी। तो पता हुआ क्या, हम लोग ना हंस रहे हैं, लेकिन इस हंसते हुए चेहरे के पीछे जिन्ना गम है ना, असी जान सकते हैं। हुआ पता बनोगे तुम, ये क्वेश्चन आ रहा है ना, बिहाइंड द सीन होना चाहिए पता। मैं तो काम कर रहा हूँ यहाँ पे बैठा हुआ। तो बताओ बेला कब जाएगी मुंबई, तो बताओ बेला कब जाएगी मुंबई। आज चली जाएगी। हुआ पता क्या है, बेला की बेचारी परसों टिकट भी कैंसिल हो गई क्योंकि कैबिन मिला, कूपे नहीं मिला। आज भी सेम हुआ, कूपे नहीं अलाउड हुआ। और पता है तुमसे 2 दिन पहले दुर्गा भाई गया गाड़ी लेकर। हाँ, गाड़ी लेकर। वो मेरे किस्मत की बात है, बोल रहा है कि मुंबई से किसी को भेजना है तो बताओ। अरे मुंबई से तो किसी को नहीं भेजना, यही से दिल्ली से ही लेके जाना था, पर नहीं पता होता ना कोई कहाँ कब कब जा रहा है, नहीं पता। जैसे मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी, मैंने आप लोगों को बोला था मेरी टिकट हो जाएगी, टिकट हो जाएगी, और हुई हुई, टिकट तो हुई, ट्रेन में बैठ के उतर के आए आप लोग। ऐसा कौन करता है अब, फ्लाइट की टिकट आज की 60,000 की नहीं है। मैं तो कहूंगी वो इन्फ्लुएंसर्स जो डालते हैं ना, ट्रेन ट्रैवल विद योर पेट, ऐसी बातें तो मत ही दिखाना। सही में बहुत डिमोटिवेटिंग हो चुका है, बहुत ज्यादा। इसके बाद तो कान पकड़ लिए आपका, ये देख के तो मैंने भी सपने छोड़ दिए, नहीं जाना है ट्रेन का, तो ट्रेन से नहीं जाना अपनी गाड़ी। और वर्स्ट पार्ट ये ना, या तो चलो आप कंफर्म कर रहे हो तो आप पहले अलॉटमेंट बता दो कि मिलने 4 घंटे पहले आपको पता चलेगा कूपे मिल रहा है या कैबिन मिल रहा है, उस भरोसे। अगर चलो आप लोकल हो तो कोई नहीं, मैनेज कर लोगे, लेकिन आप जैसे मुझे कोई 12 घंटे से आया है, 12 घंटे ट्रैवल करके, उसको क्या पता है उसके साथ क्या होना है आगे, और जाना कहाँ है, और 24 घंटे आगे मुंबई। तो आप तो, अगर आप लोग नहीं हो यहाँ, मैंने करना क्या हुआ, होटल के पैसे डालने, ट्रेन की टिकटें, और बेस्ट पार्ट ट्रेन आप टिकटें रिफंड भी नहीं होंगे। हाँ, हम भी चार्ज करेंगे। हाँ, प्लीज कर ही लो यार, कर ही लो। एयरबीएनबी हो गया हमारा, सच्ची में यार, घर जैसा एहसास मिल रहा है, घर ही है, घर है तो क्या, आपका तो घर ही है देखो। हाँ यार, लेकिन ये मतलब सर्विस ये तो बताना नहीं, पर बता अभी हम बैठ के ना, हम ना ऐसे बैठ के अभी हंस रहे हैं, लेकिन हम सुबह से 11 बजे से जो स्ट्रेस, सब स्ट्रेस में है, सब परेशान है, ना कोई ढंग से खा पी पाए। अभी भी स्ट्रेस है, वो तो भी आप ही ने मूड लाइट कर दिया। हाँ, वो तो पता है, अभी बाहर आके बैठ के रो रही थी, आंखों में पानी था, मैंने कहा रो मत, पहुंच जाओगे, स्ट्रेस था, हम स्ट्रेस तो हो जाता है। आपका देख रहे हैं, जब लगेगा चप्पल निकाल लेंगे, फोटो ले लें, फोटो। वाह, मूड देखने कैसे, फोटो खिंचा भी तो रहा है, जा रहा था, जाते जाते रुका ये। हाँ, अच्छे से लो पापा, अच्छे से तरीके से ना, उचले मक्खियां भी तो परेशान कर रही है ना, ना वो मक्खी छोड़ दे, फोटो मक्खी परेशान करती है पापा, ना फोटो। गुड बॉय, अरे तू मेरे पास आके बैठ गया। हाँ, कह रहा वो मेरी मम्मी से सेवा करा रहा है ना, तो मैं आपसे कराऊंगी। ना आपको देखो कमर कैसे सीधी कर रहा है, खुजली के मामले कैसे सीधी कर रहा है कमर। गर्दन गरीचे, गर्दन गरीचे। नो, तब नो, गंदी बात नहीं चाटना बेटा, करो बैठ गया कमर करके, कर कोई तो कर दो यार, मिड में बैठा हूँ मैं, किसी का हाथ तो पहुंच रहा होगा, देखना। बेला और रोहन जा रहे हैं ऊपर छत पे एक्सप्लोर करने, कह रहे ट्रेन ना ट्रेन हो रही, ना फ्लाइट हो रही, ना कैब हो रही, हम सीधे यहीं से हम पैराशूट लेंगे, पैराशूट। तेरे को क्या हुआ है, तेरे को क्या चुलमुची है, इसको देखो, बस रुक गई बीच में, बोल रहे हैं रास्ता ढूंढ रही है, आ जा, नहीं मिलेगा उसको कोई और रास्ता, इधर से आओ, आ जाओ, बहुत हीरो बन, चलो 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 नीचे, चलो चलो, आ जाओ सुनो, कहीं से आना, चलो मैं लेके चलूं, गोदी उठा देखो, चालू हो गया उसका, आ जा आ जा, मैं गोदी लेकर लेता हूं मैं, अरे 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 झंडा खींच, झंडा खींचा बालू, हम तो कैसे भी ब्लॉगर ना बन पाएंगे। उठाओ बेला को, बताओ ये बच्चे हैं, ये आ जाते हैं खुद, इनसे जाया नहीं जाता खुद से, इनको ले जाने, देखना, मेरे को भी एक बंदा चाहिए अपने लेसेस हर टाइम बांधने के लिए, रोहन ही बांधते रहते हैं मेरे हर टाइम। शक्ल देखना इसकी, शक्ल कह रहा है मेरे माँ बाप ने ऐसे कभी बकचोदी नहीं करी मेरे साथ में, कि ये गेम खेलो तब मिलेगा। तो मैं कह रही हूँ ना,
कि वो बस मांगो दे देते हैं। मैं भी वही करती हूँ, मैं भी वही करती हूँ। हम तरसाते नहीं किसी भी चीज़ को। मेरे को भी ये बहुत गंदा लगता है, बहुत ही खराब लगता है। करा ये आजकल कुछ नया चल रहा है। ये करके दिखाओ तो ट्रीट मिलेगी, वो करके दिखाओ तो ट्रीट मिलेगी। पागल, मतलब बच्चे बोल रहे हो ना, तो सामान आया है। हम अपनी ह्यूमन बेबी को तो नहीं तरसाते। अनरोमेंटिक कपल बताओ है ना, अनरोमेंटिक। मैं नहीं कह रही हूँ, नया चैनल स्टार्ट करेंगे अनरोमेंटिक कपल। अभी यूजर नेम नहीं होगा किसी का, हम ही ले लेते रहो। जीरो तो हमारा वो है यार, हिमशु अकेले जा रहे हो तुम, ऐसे लगा था इस फोटो में। हाँ ऐसे मारो भाई, सब लाल हो गए। लड़के नहीं करती। तो हम लोग आ गए नवाब और नवाब की पलटन इवनिंग वॉक पे, और बेला की टिकट। तो बेला की टिकट आज भी कंफर्म नहीं हो पाई, कूपे नहीं मिला। हाँ सर, टिकट कंफर्म है, कूपे कैबिन मिला। कैबिन में डॉग्स अलाउड नहीं होते, लेटर देने के बावजूद। हाँ तो कूपे नहीं मिला इन्हें, तो अब ये लोग बाय रोड जाएंगे। कैब बुक की है, उसी से जाना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत कॉस्टली हो जाता है। लेकिन जाना तो है, क्या कर सकते हैं। भैया मैं जा रही हूँ मुंबई, बड़ी मुश्किल से मुझे टैक्सी मिली है, बड़ी मुश्किल से मेरे को मूवी मिली है। मेरा रोल है, मेरा रोल ना निकले अच्छा मैं निकल जाती हूँ। हाँ तो मुझे जाने दोगे। फाइनली बेला जा रही है टैक्सी से, हंसी भी आ रही है बोलते हुए। मतलब दुख तो कितना ही हुआ तो हमें पता है, पूरा दिन कैसा निकला आज। बस बस गुल करके दिखा दो। क्यों क्यों स्ट्रेचिंग कर रही है वो। और तो फाइनली बेला के लिए टैक्सी आ गई, उसकी मम्मा अभी बेडशीट लेके गई हैं उसमें बिछाने के लिए, और अपना लगेज रख रहे हैं। तो बेला जाएगी टैक्सी से, आई थी ट्रेन से जाने के लिए लेकिन टैक्सी जाना पड़ा क्योंकि इमरजेंसी है, तो जाना तो पड़ेगा। जैसे इसकी मम्मा ने बैग उठाया ना अपना, ये गेट पे आके खड़ी होगी और अपने ना पाँव से दरवाज़ा खोलना चाह रही है। ओ बोलू को बाय बाय, बाय बाय बोलू को, बोलू जा रही है बेला, अब किसको भोंकोगे तुम। अब नहीं भोंक रहा ना यार, दोस्ती हो गई अब मेरी। अब तुम खेल रहे थे। हाँ। बेला की मम्मी ने हार्नेस उठाई, बेला ऐसे भाग के आई जैसे मुझे पता ही ना, वो आप तो कहीं जा ही नहीं सकते ना, आप क्यों परेशान हो रहे हो। मैं फाइनली मुंबई जा रहा हूं। आप जा रहे हो मुंबई यार, बीच बीच देख के आता हूं। आप जा रहे हो, वो खा ली ना ट्रिप। चलो आपका हाथ लगाना उसको, रिस्की है। ना ना लगा लो, ऐसे आपको नहीं कहेगी। खा रही है ना। हाँ दूर से कर लो, दूर से कर लो, ठीक है। ऐसे तो बहुत किसको पता है ना, आप ही ने दिए ट्रीट। बेला ही बेला ही बेला, अब तुम नहीं जा रहे हो यार। चलो चलेंगे बेला कुछ ना, वो आप नहीं जा रहे। मैं भी जाऊंगा मम्मी, मैं भी जाऊंगा, आप हमारे साथ चलना हमारी गाड़ी में, ठीक है। कैसा हो रखा कमीने, इतने दिन से हाथ से खाना खा रहा था। मैं भी बोल रहा हूँ, आप जा क्यों रहे हो, मजा आ रहा था। चल यार ना, अब जाते हैं। हाँ अभी जाते हैं, फाइनली निकल गए। चल बच्चे, सी यू। कह रहे मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ। बेला को देखो हार्नेस लगा ना, ऐसा 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 तो नहीं ना। कह रहे नहीं जाना मुझे, नहीं जाना मुझे। बस यही करना था। चल बेलो, चल बेलो, बाय। जा सकती है इसी गाड़ी में जा रहे हैं। फाइनली बेला जा रही है लेकिन टैक्सी से जा रही है, ट्रेन से नहीं जा पा रही बेचारी। और हमें जाना भी नहीं है, दो बार सीन हो गया, हमें जाना भी नहीं ट्रेन से। मम्मा और कितना रेडी होंगे, मैं आपसे पहले बैठ गई। हाँ बिल्कुल, निकलते हैं अब हम। थैंक यू भैया, एंड थोड़ा बस ध्यान से लेके जाना इन्हें बड़े उससे। थैंक यू सो मच। बाय।
तो फाइनली बेल आ गई, बस अच्छे से पहुंच जाए और नाम कैसे देख रहे थे बेल आ गई। तो अभी मैं और नवाब आ गए वॉकी वॉकी, और ये जो आप इतनी आवाज़ सुन रहे हो ना, ये गोलू भोलू का आतंक है। और एक बात और, गोलू भोलू डेली दो दिन से एक काम करें, सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे अलार्म बजाना शुरू कर देते हैं कि हमें बाहर जाना है, हमें वॉक पे जाना है। इतनी अच्छी नींद आई होती ना उस टाइम पे, नींद में उठती हूँ उन्हें बाहर करती हूँ और बाहर जाके इतने खुश कि हाँ अब हम वॉक करेंगे सुबह 5 बजे। नवाब भी नहीं उठता भाई, उनकी ना प्यारी सी शक्ल पे मर जाना बहुत गुंडे है, क्योंकि उनका भी बचपन वाला फेस चल रहा है ना, अभी बच्चे हैं वो। और आज बेला चली गई, टैक्सी से जाना पड़ा उसको, उसका उसमें टिकट उसमें नहीं हो पाया ट्रेन में टिकट, लेकिन उसके बिना ना ऐसे खाली खाली से लग रहा है, क्योंकि दो दिन से घर पे थी तो बच्चे की ना चहल पहल होती है। और आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। शुभ रात्रि।